आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो में न्यूज देखने आए तो ये आपके लिए यूजफुल नहीं होगी। इस वीडियो में मैं एक ऐसा मुद्दा लेकर आया हूं जो शायद सभी के माइंड में जरूर होगा। जो भी कैंडिडेट जिसने भी डीएसएसबी में एग्जाम दिया है या डीएसएसबी के बारे में सुना है, तो शायद जरूर उसके माइंड में ये क्वेश्चन होगा जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डीएसएसबी दिल्ली के अंदर एक बोर्ड है और जो काफी तरह की भर्ती है उन्हें कंडक्ट करता है, तो ये हमेशा सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में रहने का कारण क्या है? डीएसएसबी का एग्जाम कंडक्ट कराने का तरीका। सबसे पहले अगर हम बात करें और किसी भी बोर्ड की, तो क्या होता है कि कुछ वैकेंसी निकली है, जैसे 4000 वैकेंसी निकली है, तो कट ऑफ कितनी भी नीचे जा सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि सबसे पहले इनकी जो कंडीशन है वो पूरी करनी है, जैसे 30, 35, 40। और लास्ट टाइम आप देखे होंगे, बिल्कुल आपने देखा होगा कि जो बच्चे कंडीशन तक ही नहीं पहुंच पाए, वैकेंसी खाली गई, और जगह ऐसा नहीं होता। नंबर वन ये। नंबर टू, अभी हम देख रहे हैं, आपने भी देखा होगा, जो एमसीडी पीआरटी के एग्जाम हुए हैं, एनआईओएस से सिलेबस लेना, फिर कुछ क्वेश्चन 13 वाले में देना, 30 वाले से, फिर 14 में देना, और 28 वाले में लगभग 25 प्लस क्वेश्चन देना। इससे ना चाह के भी बच्चों के अंदर एक गुस्सा आ जाता है, एक ह्यूमन नेचर होता है कि इसे इतना बेनिफिट मिल गया। हालांकि किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन माइंड में क्वेश्चन जरूर आ जाता है कि यार उसे इतना बेनिफिट मिल गया। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको पता होगा स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हैं। तो डीएसएसबी ने एक नोटिस निकाला कि इनके लिए कंडीशन है 30, 35 और 40 वाली, कि दोनों पार्ट में इतने मार्क्स आपको लेने हैं। बाद में डीएसएसबी ने नोटिस निकाला कि इनके लिए कंडीशन ही नहीं थी। अब आप देख सकते हैं बच्चों के अंदर तो एक गुस्सा रहेगा ना कि हाँ ये क्या कर रहे हैं, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, लेकिन एक पॉइंट मिल गया केस करने का। और यही केस है उनका, जो केस है यही केस है कि पहले तो बोल दिया था कि कंडीशन है आप लोगों के लिए, और बाद में कहा कि कंडीशन थी नहीं। अब इससे क्या है कि बच्चा भी तो उस हिसाब से एग्जाम देगा ना। इसके बाद है जो डीएसएसबी है, इसकी एक भर्ती को क्लियर करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इवन एग्जाम कंडक्ट कराने में ही 2-2 साल लग जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो डीएसएसबी में हैं, और इससे क्या है कि एक बच्चा पूरा जो कैंडिडेट है फॉर्म भर रखे, एक विश्वास नहीं कर सकता कि एग्जाम कब है क्या होगा। तो गाइस, आपकी क्या राय है? आप डीएसएसबी से कितना खुश हैं? आपकी स्क्रीन पे एक कार्ड दिखेगा, आप उसमें जरूर वोट करें कि आप डीएसएसबी से खुश हैं या नहीं है। क्या डीएसएसबी का एग्जाम लेने का तरीका सही है? ये सारी चीजें आप एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और स्क्रीन पे एक कार्ड दिखेगा आपको और वहां पे आप वोट जरूर करें। और गाइस, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया है तो आप डिसलाइक बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरा टारगेट था कि अपनी जो फीलिंग है वो शेयर करना। और आप लोग भी, आप सभी जो YouTube फैमिली के मेरे साथी हैं, आप भी अपने कमेंट जरूर दें। तो गाइस, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।